भोजपुर दर्शन आपकी बात आपके साथ। हिंदू धर्म में विवाह 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष रूप से उत्तरदायित्व को वहन करना। हिंदू धर्म में विवाह को सामान्य रूप से पाणि ग्रहण संस्कार माना जाता है। अग्नि के साथ फेरे कर ध्रुतारा को साक्षी मानकर दो तन दो मन और दो आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाता है। ऐसा ही दो आत्मा इंजीनियर नवीन ओझा और डॉक्टर अंशु कुमारी का मिलन 30 नवंबर 2020 को हुआ। आधुनिक समाज में दहेज नाम की बुराई हर जगह फैली हुई है। यूरोप भारत अफ्रीका और दुनिया के अन्य भागों में दहेज प्रथा का लंबा इतिहास है। भारत में इसे दहेज हुंडा या बरदक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार हो या बिहार सरकार, दहेज मुक्त शादी के लिए कई योजना बनाई है। दहेज विरोधी अभियान भी चलाया जाता है। इसी अभियान को अपनाते हुए इंजीनियर नवीन और डॉक्टर अंशु कुमारी की शादी दहेज मुक्त संपन्न हुआ। इंजीनियर नवीन ओझा के पिता शिक्षाविद पंडित श्याम नंदन ओझा काफी ही प्रसन्न है। सेवानिवृत्त शिक्षक श्याम नंदन ओझा अपने बेटा की शादी पर कहते हैं कि आने वाला समय स्त्रियों का समय है, स्त्री युग है, और उनसे संबंधित सारी भी बातें जो होती है उसमें शादी गौण होता है, प्रधान वह बच्ची होती है, और जहाँ ईश्वर की इच्छा होती है शादी होती है। इसलिए दहेज को हम गौण कर दिए और प्रधान बच्ची को किए। हर शिक्षित परिवार समाज का विकास चाहता है। बेटा हो या बेटी, दोनों को एक समान योग्य बनाया जाए तो समाज ज्यादा ही विकास करेगा। इंजीनियर नवीन ओझा के चाचा डॉक्टर रामनंदन ओझा दहेज मुक्त शादी पर कहते हैं, मैं समझता हूं कि परिवार जीवन का सर्वोत्तम पाठशाला होता है और व्यक्ति से समाज का निर्माण, परिवार का निर्माण होता है और परिवार से समाज बनता है। तो मैं समझ रहा हूं कि मैं एक शिक्षक हूं, जैसा कि आप जानते हैं मैं टाउन प्लस टू विद्यालय में शिक्षक हूं, और शिक्षक का काम है पथ प्रदर्शन करना। तो मैं बिना तिलक दहेज की शादी कर रहा हूं और यह करके मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। अपने पोते की शादी को लेकर दादी काफी ही प्रसन्न है। लगभग 90 वर्ष की उम्र में भी दहेज मुक्त शादी के पक्ष में कहती है, सभी को दहेज नहीं लेनी चाहिए। हमारा कुछ न चाहिए, एक पैसा न चाहिए, अपना मन से कुछ रोगा दूसरों कुछ हो दे दे भी तो वो दे दे भी। अब बाकी मांगो ना, हमारा परिवार निमन चाहिए। अपने इंजीनियर भाई नवीन पर बहन को काफी ही गर्व है। ऐसा घर की पुत्री है जिस घर में महिलाओं की प्रतिष्ठा देते हुए दहेज मुक्त शादी हो रही है। बहन कहती है कि मैं भी अपने पुत्र की शादी दहेज मुक्त करेंगे। मुझे प्राउड है कि मैं इस घर की बेटी हूँ। मुझे मेरे पापा पे, मेरे भैया पे, सब पे प्राउड है और मैं ऐसा ही होना चाहिए। मेरे भैया ने भी कहा कि लड़कियों को इतना कैपेबल बनाना चाहिए वो खुद ऐसी हो सके कि लड़के उसे डिमांड करे, ना कि ये माँ बाप नहीं ढूंढने जाए उसके लिए कि वो मुझे ऐसा लड़का चाहिए। लड़के को ऐसा होना चाहिए कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। भोजपुर तरारी के
मिश्र कर्मा गांव से अपनी बहन का तिलक लेकर आए भाई पंकज मिश्र भी को भी काफी गर्व है। ऐसा परिवार में बहन की शादी हो रही है जो परिवार दहेज मुक्त विवाह के समर्थक हैं। दहेज मुक्ति प्राथमिकता तो पहले से ही हमारा एकदम बड़ी क्लियर सा है कि दहेज नाम की किसी चीज को बीच में नहीं लाना है। और मेनली ऑब्वियसली एजुकेशन होता है, एजुकेशन के बाद फैमिली का होता है, फैमिली फुल सपोर्ट फैमिली का जैसा होता है उसको चीज को आगे बढ़ाते हुए। बट दहेज नाम की ऐसी चीज है जिसको टोटल पूरे फंक्शन से पूरे शुरू से लेकर एंड तक में कहीं पे जिसका कोई जिक्र नहीं होता। इंजीनियर नवीन जीवन में हमेशा नया करने का प्रयास करते रहते हैं और नया करने को भी ठाना भी है। उसी प्रकार शादी में भी कुछ अलग करते हुए दहेज से परहेज कर डॉक्टर अंशु से दहेज मुक्त शादी रचाई। नवीन का कहना है, हम सुधरेंगे समाज सुधरेगा, हम बदलेंगे समाज बदलेगा। जब भी मैं लोगों को देखता था दहेज लेते हुए, और बहुत सारे मैं लड़कों को देखता था शादियों में वो जाते थे और दहेज के लिए तरह तरह के वो लोग बहाने करते थे, बीच में शादी रुक जाती थी उस दहेज की वजह से। तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ये दहेज नहीं लेना और मैं दहेज मुक्त के लिए सिर्फ अपने और मेरी फैमिली के अलावा मैं लड़की को भी क्रेडिट दूंगा, क्योंकि दहेज और एजुकेशन दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। अगर आपको दहेज नहीं देना है तो आपको लड़की को पढ़ाना पड़ेगा, उसको उस उतना कैपेबल बनाना पड़ेगा कि ये लड़की की मजबूरी नहीं हो कि हमारी शादी करनी है, ये लड़के की हो कि मेरी शादी इस लड़की से हो जाए, वो उतनी कैपेबल होनी चाहिए। अपनी पढ़ाई में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली डॉक्टर अंशु अग्नि के साथ फेरे कर इंजीनियर नवीन की पत्नी के रूप में शाहपुर सहजौली अपनी ससुराल आकर काफी ही प्रसन्न नजर आई। अंशु का मानना है, समाज में लिंग भेद नहीं होना चाहिए। विवाह का बंधन अनमोल होता है, शादी का बंधन बहुत ही पवित्र होता है। हर व्यक्ति के लिए एक अनमोल उपहार है शादी। छोटी खुशियां बड़े जश्न में बदल जाता है। जिंदगी एक दूसरे के साथ बहुत आसान हो जाती है। आइए हम सभी मिलकर दुआ करें इंजीनियर नवीन और डॉक्टर अंशु की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। मैं इसी धरती पे बड़ा हुआ हूँ और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है, जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन मेरी यहाँ इसी गांव में हुई है और मैं इस गांव की धरती से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बिहार से जुड़ा हूँ, मैं इस कंट्री से जुड़ा हूँ, तो मैं इस कंट्री को कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं वर्ल्ड के किसी कोने में चला जाऊँ। श्याम नंदन ओझा समझे शिक्षा के खजाना दिलवा के राजा हवे राम दिलवा के राजा दुल्हन बिन ओझा धूप के समाना लीलरवा चमचम चमके राम लीलरवा चमचम जाई के अमेरिका बनौले पाचानवा जहनवा सब जाने लाए राम जहनवा सगरे।